फ्रेंड्स, केमिकल सेक्टर की एक शानदार कंपनी जो कि केमिकल्स तो बनाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाती है जो कि लिथियम बैटरी बनाने में काम आता है। तो ये भी एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस है। आप जानते हैं ईवी सेक्टर में कितनी डिमांड है, और बैटरीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो चुकी है लिथियम की, तो उनको रॉ मटेरियल लगता है, उसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड भी काफ़ी यूज़ होता है। तो लिथियम बैटरीज बनाने के लिए शेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आने वाले दिनों में इसका बिजनेस अच्छा खासा बढ़ते हुए दिख सकता है। फंडामेंटली एक्सेलेंट कंपनी है। आइए इस कंपनी के बारे में जानते हैं। ये कंपनी बोरिक एसिड और लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, और इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 125 रुपीज़ और 52 भी खाए था 208 रुपीज़। इसका पी ओनली 10 का है, 10 का पी मतलब बहुत ही रिजनेबल पी पे कंपनी मिल रही है। ईपीएस है 12 का और प्राइस है ओनली 125 रुपीज़। डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रेंड जीरो है, कंपनी पे एक पैसे का भी डेट नहीं है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30% एंड ROE इज 22%, दोनों भी काफ़ी स्ट्रांग है। इंट्रिंसिक वैल्यू है इस शेयर की 265 रुपीज़ हमें मिल रहा है सिर्फ 125 में। ग्राहम नंबर है 160 रुपीज़ हमें मिल रहा है सिर्फ 125 रुपीज़ में। प्रोमोटर होल्डिंग इज 55%, FII का होल्डिंग है 0.04%, DII का होल्डिंग इसमें नहीं है, बट FII का होल्डिंग इसमें है, वो काफ़ी पॉजिटिव बात निकल कर आती है। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 20 में प्रॉफिट था 10 करोड़, सितंबर 21 में प्रॉफिट हो गया था 7 करोड़ 80 लाख रुपीज़, एंड दिसंबर 21 में प्रॉफिट आया है 8 करोड़ 25 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, ईयर ऑन ईयर थोड़ा जंप नहीं है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये शेयर फ्राइडे को 6% अप था जब मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, मार्केट चलेगा तो यही शेयर 125 से आपको आराम से 200 का लेवल दिखा सकता है आने वाले दिनों में अगर मार्केट चला तो। तो बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से आप बाय करने का सोच सकते हैं इंडो बोरेक्स केमिकल्स लिमिटेड, INDOBORAX, इंडो बोरेक्स केमिकल्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, केमिकल सेक्टर का एक शानदार शेयर है, और लिथियम आयन बैटरी का जो रॉ मटेरियल है वो बनाता है, इसीलिए शेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ज़रूर बाय कर सकते हैं थोड़े थोड़े शेयर हर गिरावट में, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इस कंपनी के आप होल्ड करते हो क्या, ज़रूर कमेंट करके बताना, और इस ये कंपनी आपको कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताना, और आप इस कंपनी के बारे में स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।